हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन एगेरिकस मस्केरियस की। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन पूरी बॉडी पर है और खास तौर से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे है। एगेरिकस यानी जो मशरूम है उसी से बनाई गई मेडिसिन है। आप जानते हैं कि एगेरिकस बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, खास तौर से उनके लिए जो कि मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते। तो यूं समझिए कि मीट, मछली, अंडे का जो नेचुरल सब्स्टिट्यूएंट है, नेचर ने बनाया है, और वो है मशरूम। और मशरूम का ही बॉटनिकल नेम है एगेरिकस मस्केरियस। अब आप समझ सकते हैं कि मशरूम अगर इतना पौष्टिक है तो पौष्टिक होने के पीछे कारण होता होगा कि उसके अंदर काम के बॉडी को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को बनाने के लिए उसमें बेहतरीन मटेरियल पाए जाते होंगे। अब उसी मशरूम को पोटेंटाइज किया गया है और पोटेंटाइजेशन के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है। यानी यूं समझ लीजिए कि उसकी जो मशरूम की जो क्षमता है उसको और बढ़ाया गया। एक प्रक्रिया है होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन की। तो इस तरह से पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बेहतरीन सिम्टम्स को ठीक करने की क्षमता आ जाती है। वह कौन सी ठीक करने की क्षमता है और किस तरह से ओरिजिन होती है उसको समझते हैं, फिर अंत में देख लेंगे कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन का कैसे यूज किया जाए। काम की बात समझ में आने वाली है, बस वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो अंत तक देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आप लेके जाएंगे। और बीमार होने की संभावना कम हो जाती है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी को क्योर करने से अच्छा है कि उसको प्रिवेंट किया जाए, और प्रिवेंट करने का इकलौता माध्यम है वो है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ब्रेन है और गर्दन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं ऐसे ना। और ये जो है स्पाइनल कार्ड है, यानी जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो क्या है, स्पाइनल कार्ड है, यही स्पाइनल कार्ड है। और ये पता ही है यहाँ पे क्या है, ब्रेन है। तो देखिए, जो ब्रेन है वो बॉडी के सभी फंक्शन को गवर्न करता है, और गवर्न करता है किसके थ्रू, स्पाइनल कार्ड के थ्रू। तो इस एगेरिकस में जो सिम्टम्स की ओरिजिन ब्रेन से होती है, लेकिन स्पाइनल कार्ड पे ज्यादा कंसंट्रेशन है उसका। यानी जो भी सिम्टम्स प्रोसीड करते हैं स्पाइनल कार्ड के थ्रू प्रोसीड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लेट में चलना भी सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं। तो देखिए, बोलना जो है वो ब्रेन का है और चलना जो है बॉडी का है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लेते हैं चलने में और बोलने में भी। तो बोलने में ज्यादा टाइम लेना यानी ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, और चलने में ज्यादा टाइम लेना मतलब बॉडी की जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चे जो देर से चलना सीखते हैं या फिर बोलना सीखते हैं या दोनों, उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। और सोचिए, जो बच्चा पहले से बच्चे यानी कम एज में ही उसमें कोई डिफेक्ट आ गया अनफॉर्चुनेटली किसी कंडीशन की वजह से, कि वो लेट में चलना और बोलना दोनों सीख रहा है, अगर लेट में चलना सीखता है, सिर्फ इकलौता सिम्टम्स है, लेट लर्निंग टू वॉक, तो कैलकिरियाकार मेडिसिन है उसकी। और कुछ बच्चे चलना तो जल्दी सीख लेते हैं टाइम से, लेकिन बोलना लेट सीखते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन है नेट्रम्योर। तो नेट्रम्योर में देर से बोलता है, कैलकिरियाकार में देर से चलता है, लेकिन यहाँ पे एगेरिकस में दोनों सिम्टम्स हैं कि लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक, बोलना और चलना देर से सीखता है। तो अब अगर वही बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ये बच्चा है, बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया तो सिम्टम्स कैसे आएंगे, स्पाइन जो ये वाले जो हड्डी है पूरा स्टिफ हो गई है, और स्टिफ हो गई है उसको लगता है कि इसे बेंड होंगे आगे या पीछे की तरफ या दाहिने बाएं बेंड होंगे तो टूट न जाए, सेंसेशन ऐसा लगता है कि टूट जाएगी, टूटता नहीं है,
आगे बेंड करता है तो दर्द करता है, पीछे अगल बगल दाएं बाएं, यानी जो स्पाइन है सीधे रहना चाहता है, बंबू स्पाइन यानी बांस जैसा, यानी सीधा खड़ा रहना चाहता है, आगे झुकेगा तो भी दर्द, दाएं बाएं झुकेगा तो भी दर्द हो रहा है। तो नहीं, पूरी दिक्कतें कैसी हैं, स्पाइन से हैं। अब समझिए कि अगर स्पाइन में स्टिफनेस है तो यही तो गवर्न करेगा, ये जो लिंब है, मांसपेशियां हैं, हाथ पैर की मांसपेशियां, उनको गवर्न करेगा। अब मांसपेशियों को गवर्न करेगा यानी जो मसल्स पे एक्शन होगा उसका। तो यूं समझिए कि ब्रेन अपना इंफॉर्मेशन ठीक से दे रहा है स्पाइनल कार्ड को, ये जो स्पाइन है, और स्पाइन ठीक से इसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो मसल्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मसल्स में कंपन होगा। कुछ लोगों का सर ऐसे लगातार ऐसे सर हिलता रहता है, ऐसे ऐसे लगातार हिलता रहता है, तो सर लगातार हिल रहा है। इवन कुछ लोगों की मांसपेशियां भी लगातार ऐसे कांपती रहती हैं, ट्विस्टिंग जर्किंग होता रहता है, फड़फड़ाती रहती हैं। और खास बात, सो जाने के बाद ये सब जो फड़फड़ाहट है मांसपेशियों के कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन दिक्कत बढ़ जाती है सेक्स के बाद, इंटीमेट होने के बाद, जब ही सीमेन बाहर निकलता है दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कुछ इस तरह के बेहतरीन सिम्टम्स हैं इसमें, उसी को समझते हैं। देखिए क्लियर कर पहला लिखा है, चिल्ड्रंस आर लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक, देर से चलना और बोलना सीखता है। स्टिफनेस ऑफ द होल स्पाइन, पूरी स्पाइन स्टिफ है, लगता है कि बेंड करेंगे तो टूट जाएगा, सेंसेशन है ऐसा, यानी जब बेंड करता है तो दर्द हो जाता है पूरी स्पाइन में। और अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल ओवर एवरीथिंग, जब चलता है तो पैर जैसे कंट्रोल में नहीं है, ठोकर लग जाता है ना, लड़खड़ाहट से चलता है और जैसे लगता है जैसे एल्कोहल पिया हुआ, शराब पिया हुआ आदमी चलता है इस तरह से, तो चलते समय शरीर कंट्रोल में नहीं है और उसके साथ साथ पैर भी कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ भी प्लेन सड़क है उसी प्लेन सड़क पे ही ठोकर लग जाती है उसको, तो स्टम्बलिंग गेट है। ये बेसिकली ओल्ड एज की दिक्कत है, तो सब पे ठोकर लग जाती है, कुछ भी प्लेन एरिया है उसमें भी ठोकर, पैर उसका लग जाता है, पैर घिस घिस के चलता है, यानी कंट्रोल नहीं बॉडी पर। और एवरी मोशन एंड टर्न ऑफ द बॉडी काज पेन इन स्पाइन, स्पाइन में स्टिफनेस इतनी ज्यादा है कि जो गेट है, जो चलने का जो तरीका है, वो भी कंट्रोल्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी है, और उसके साथ साथ कुछ भी टर्न होता है, जैसे ऐसे मुड़ना हुआ, दाहिने बाएं देखना हुआ, ठीक है, या झुकना हुआ, किसी भी तरीके का मोशन बॉडी में दर्द उत्पन्न करने लगता है। और दर्द की ओरिजिन कहाँ से होती है, स्पाइनल से, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी दिक्कत वहीं पे है, तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इस वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है, उसके साथ साथ कोई भी टर्न, लेफ्ट लिया, राइट लिया, बॉडी में थोड़ा मोशन किया, यानी किसी भी मोशन से स्पाइनल कार्ड में दर्द होने लगता है। और ट्विस्टिंग, जर्किंग, ट्रेम्बलिंग एंड जर्किंग ऑफ मसल्स, मांसपेशिया में फड़कन हो रही है, ऐठन हो रही है, जर्क हो रही है, फड़फड़ाहट जैसी हो रही है, और मांसपेशियों में इस तरह से हो रहा है, और जो लिम्ब है उसमें ट्रेम्बलिंग होगी, एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ लिम्ब। और खास बात ये है कि पार्किंसन में ऐसे ही होता है, यानी जगते समय हाथ पैर की मांसपेशियां कांपती रहती हैं, हाथ पैर कांपते रहते हैं, इवन सर ऐसे से हिलता रहता है। लेकिन खास बात, जब सो जाता है पेशेंट, जब उसको नींद आ जाती है, तो ये सब सारे मोशन खत्म हो जाते हैं, यानी रेस्ट में आ जाते हैं। और सारी समस्या कब है, जगते समय ही है, जब पेशेंट जग रहा है तो पूरी दिक्कतों का अंबार है, और जो ही सो जाता है तो सर का हिलना रुक जाता है, मांसपेशियों की जो ट्रिम्बलिंग जर्किंग, जो मतलब गति हो रही थी, फड़फड़ाहट हो रही थी, वो सब रुक जाता है, स्टॉप ड्यूरिंग स्लीप। लेकिन खास बात, इंटीमेट होने के बाद, सेक्स के बाद, ये सब दिक्कतें चार गुना हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो सेक्स के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और हेड इज इन कांस्टेंट मोशन, सर लगातार ऐसे हिलता रहता है। कई पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं इनसे, किसी दूसरे सिस्टम की दवा लेते लेते थक चुके वो लोग, लास्ट में होम्योपैथी में आता है कोई इलाज करवाने, यानी पूरे सिस्टम में सब कुछ, हेल्थ प्लस उसका वेल्थ, पैसा और उसकी जो शरीर की जो क्षमता है, दोनों जब छीड़ हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तब होम्योपैथी के शरण में आते हैं। कई पेशेंट इससे ठीक हुए हैं, लगातार उनका सिर हिलता रहता था, एक हफ्ते 10 दिन की दवा खाने से, एगेरिकस खाने से,
ये सब मोशन अपने आप कम होंगे। खास बात और दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो चिलब्लेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। चिलब्लेंस क्या होता है, ठंडी के दिनों में हाथ पैर की अंगुलियां सूज जाती हैं, इसमें जैसे लगता है कि निडिल सुई जैसा चुभ रहा है, और ठंडी निडिल सुई जैसा चुभ रहा है तो उसको चिलब्लेंस बोलते हैं। और एक बेहतरीन सिम्टम्स और है कि पेशेंट जो है इसका उसको सेक्सुअली खूब एक्टिव है और टाइम ड्यूरेशन भी उसका ठीक है, लेकिन जब सीमेन निकलता है तो उसको आनंद नहीं आता, प्लीजरलेस इजैकुलेशन। पहले यानी एक्टिव है, ड्यूरिंग करते समय भी एक्टिव है, लेकिन जब सीमेन निकलता है तो उसको प्लीजर अनुभव नहीं होता है, आनंद नहीं लगता है। तो इस तरह के कई पेशेंट बोलते हैं कि मजा नहीं आता है, जबकि पावर भी है और ईडी की कोई समस्या नहीं है, एक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन जब सीमेन निकलता है तो प्लीजरलेस इजैकुलेशन होता है। तो इस तरह के बेहतरीन सिम्टम्स को ठीक करती है एगेरिकस, शानदार मेडिसिन है और पालीक्रिस्ट यूज समझ लीजिए। और इसका यूज करने का तरीका सिंपल सा है कि आप इसकी 30 पावर ले लीजिए, एगेरिकस मैस्कैरियस की 30 पावर की ले लीजिए, 4 बूंद सुबह और शाम लीजिए। और आइडेंटिफिकेशन अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इस तरफ से है, यानी लेफ्ट साइड ए है लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है राइट, यानी दाहिना पैर और बायां हाथ। डायगोनली सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यानी इधर की मांसपेशियां ज्यादा फड़क रही हैं और इधर के भी, इस तरह से बॉडी डायगोनल में कवर करता है इसको। तो आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करें, अपने समझें, एक दो बार देख लें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सेनाइल काफी एज हो गए, जिनकी 60 प्लस से ज्यादा एज है, तो आप देखिए उनका सर ऐसे ऐसे लगातार ऐसे हिलता रहता है, इस दवा से ठीक हो जाता है। हाथ पैर का हिलना, कांपना, पार्किंसन जैसी बड़ी बीमारी है, ठीक होता है। तो इस तरह के काम की बात आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में ही आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि कुछ लोगों को इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। थैंक यू।